दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने अक्सर एक काले रंग की रेंज रोवर या लैंड क्रूजर में देखा होगा। इन कारों के अलावा पीएम के साथ अन्य कारों का काफिला भी साथ होता है, जो कि पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए होता है। दोस्तों, भारत के पीएम अति सुरक्षित कार में सवार होते हैं। सुरक्षा के लिहाजे से इस कार को विशेष रूप से तैयार किया जाता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि भारत के पीएम की कार को एक निश्चित अवधि के बाद बदल दिया जाता है? आखिर कितने साल में बदली जाती है पीएम की कार और कौन करता है कार का चयन, चलिए जानते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपके बहुत काम आएगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी के हाथों में होती है। ऐसे में पीएम को एक जगह से दूसरी जगह तक एसपीजी ही ले जाती है। इसके लिए पीएम की कार के साथ साथ अन्य कारें भी शामिल होती हैं। दोस्तों, पीएम के काफिले में बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज की सेडान, बीएमडब्ल्यू एक्स 3, मर्सिडीज बेंज, फॉर्च्यूनर और रेंज रोवर कार शामिल होती हैं। इसके अलावा एक एम्बुलेंस और टाटा सफारी भी होती है, जिस पर जैमर लगा होता है। दोस्तों, पीएम की कार के लिए जिस गाड़ी का चुनाव होता है, उस गाड़ी को एसपीजी द्वारा मॉडिफाई किया गया होता है। इस कार में सुरक्षा के लिहाजे से बदलाव किए जाते हैं, जिससे किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में पीएम कार में सुरक्षित रहें। दोस्तों, सरकारी मापदंडों के मुताबिक पीएम की कार अधिकतम 8 वर्ष तक रह सकती है। हालांकि, अब नए मापदंड के मुताबिक इस अवधि को घटाकर 6 वर्ष कर दिया गया है। अब प्रत्येक 6 वर्ष में पीएम की कार को बदल दिया जाता है। आपको बता दें कि पीएम की कार का चुनाव प्रधानमंत्री नहीं करते, बल्कि इस कार का चुनाव एसपीजी के सुरक्षा दस्ते द्वारा किया जाता है। एसपीजी द्वारा कई मापदंडों के आधार पर कार को परखने के बाद कार का चुनाव किया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम की कार क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में भी 100 किलोमीटर तक सफर तय कर सकती है। वैसे दोस्तों, क्या आपको इसके पहले तक ये जानकारी थी? अगर नहीं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।